आज हम बनाएंगे एक डिजाइनर नेट कुर्ती। जी हाँ, इसके आगे में शेयर नेक बनाया है, मतलब ट्रांसपेरेंट नेक है, पोलो कॉलर के साथ बनाया है। ये जो पोलो कॉलर होती है ये बहुत ही सुंदर लगती है और ये पीछे की ओर खुल रही है। पीछे की ओर भी हमने एक सुंदर सा ड्रॉप नेक बनाया है जो काफी एनहांस कर रहा है हमारी कुर्ती को। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग लिया है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, और ये नेट का कपड़ा भी मैंने 1.5 मीटर ही लिया है क्योंकि मेरी कुर्ती की लंबाई यहाँ पर ज्यादा नहीं है। अगर आप ज्यादा लंबाई रखना चाहते हो तो 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा। सबसे पहले लाइनिंग को 4 फोल्ड में फोल्ड करके लिया है। उसके बाद नॉर्मल कुर्ती की तरह ही सारे नाप डालने हैं, जैसे कि शोल्डर जो कि मैंने लिया है 7.25 इंच, फिर आर्म होल का नाप डालेंगे, मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो नॉर्मली मैं 7.25 इंच लेती हूँ, मतलब 7.75 इंच, लेकिन ये स्लीवलेस पैटर्न में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1/4 इंच कम लिया है। उसके बाद चेस्ट मेरी 34 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच, उसमें 1/4 इंच लूजिंग डालकर 9.25 इंच पर मार्क किया है। अब गले की चौड़ाई, छोटा साइज है तो 2.5 इंच रखिएगा, नॉर्मल साइज है तो 2.75 इंच रखिएगा, और अगर आप हेल्दी हो तो 3 इंच रखिएगा। अब हमारा नॉर्मल साइज है तो मैंने 2.75 इंच रखा है। अब आगे की गले की लंबाई, छोटा साइज है तो 2.75 इंच रखिएगा, नॉर्मल साइज है तो 3 इंच रखिएगा, और हेल्दी साइज है तो 3.25 इंच रखिएगा। अब इस तरह से एकदम बराबर से हमें लाइन खींचनी है सीधी, और यहाँ पर गले की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई देंगे। इसके बाद हम कंधा गिराएंगे यहाँ पर यानी शोल्डर स्लोप। तो छोटा साइज है तो 1/2 इंच गिराइएगा, नॉर्मल साइज है तो 1/4 इंच, और हेल्दी साइज है तो 1 इंच। मैंने यहाँ पर 1/4 इंच लिया है, मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, और इस तरीके से तिरछी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना है, उसका सेंटर कीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा, और पीछे के मुड्ढे का शेप दीजिएगा। अब आगे की तरफ भी मैं यही शेप रखूंगी क्योंकि ये स्लीवलेस पैटर्न में बना रही हूँ, और अगर आप इसमें स्लीव्स को जोड़ रहे हो तो आपका आगे का शेप अलग होगा और पीछे का शेप अलग होगा। अब यहाँ पर पूरा आर्महोल राउंड मेरा 15.5 इंच है, तो उसका आधा होता है 7.25 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सिर्फ 7.5 इंच ही रखा है, मतलब 1/4 इंच कम रखा है। कम इसलिए रखते हैं क्योंकि स्लीवलेस पैटर्न में आर्महोल लूज अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा फिटिंग में बैठेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये शोल्डर है, उसका सेंटर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैंने टेप को रखा, और यहाँ से मैं टक्स पॉइंट नापूंगी। 36 इंच मेरा फुल बस्ट है, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, 9 इंच में 1 इंच मिलाएंगे, और 10 इंच पर हमने टक्स पॉइंट का मार्क किया। उसके बाद कमर की लंबाई मैंने डाली है 15 इंच पर, और जहां पर हम स्लिट शुरू करते हैं, स्लिट जोड़ते हैं, वो मार्क लगाया है 22 इंच पर, बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह। अब ये सारे पॉइंट्स के लाइन हम बना देंगे। लाइन बनाने के बाद यहां से हम फुल बस्ट का नाप डालेंगे। 36 फुल बस्ट है, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें सिर्फ मैंने 1/4 इंच यानी 2 पॉइंट की लूजिंग डाली है। उसके बाद कमर मेरी 30 इंच है, उसका चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 1/4 इंच मैंने लूजिंग डाला है और मार्क किया है 7.25 इंच पर। हिप है मेरी 40 इंच, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच, तो उसमें मैंने कोई लूजिंग नहीं डाला, जितना हिप है उसका चौथा भाग करके 10 इंच पर मार्क किया है। अब ये जो सारे पॉइंट है ये हमें जोड़ देने हैं, इस तरह से हम यहां पर शेप देंगे। अब इसके बाहर मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखूंगी। अब बस हिप के बाहर, हिप लाइन के बाहर मैंने 1 इंच ही सिलाई मार्जिन रखा है क्योंकि यहां पर हम स्लिट जोड़ते हैं, और ये सारे लाइन इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर पीछे का गला 1/4 इंच नीचे लिया है, मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, ये हमारा पीछे का गला होगा, और इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब यहाँ हिप लाइन के नीचे सीधी लाइन मैंने नीचे तक खींच दी क्योंकि ये मैं बना रही हूँ स्ट्रेट कुर्ती। अगर आप ए लाइन टॉप बना रहे हो तो उसी के हिसाब से मार्क कीजिए। अब यहाँ पर आगे का और पीछे का आर्महोल का शेप तो सेम ही है इसलिए मैंने पूरा कट कर दिया। यहां से हम पीछे का गले का ही कटिंग करेंगे। तो अगर आपका आगे का आर्महोल का शेप अलग है तो पहले ये पीछे वाला हिस्सा निकाल दीजिएगा, उसके बाद आगे के आर्महोल का कटिंग कीजिएगा।
अब ये बैक से पैटर्न होगा तो इसको मैं साइड में रखूंगी। अब देखो यहाँ नीचे की तरफ हमारा ज्वाइंट है तो यहां से मैं कट कर दूंगी और इसको साइड में रखूंगी। अब ये आगे का फिर से जैसा है वैसा हम करके रखेंगे। उसके बाद नेक की तरफ हम 7 इंच नीचे लेंगे, आप चाहो तो थोड़ा डिप भी रख सकते हो। उसके बाद ये शोल्डर है उसका सेंटर करेंगे, पॉइंट देंगे और यहां से बस हमें इस तरह से हल्का सा शेप देना है, ये इस तरीके से। अब इसको हम खोल देंगे और खोलने के बाद यही निशान इस साइड में भी हमें लगाना है, तो इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर हल्का सा थपथपाते हैं तो इस और निशान बन जाएंगे। और इसको मैंने डार्क कर दिया। अब ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट नेक जो बनेगा बाद में उसका निशान, तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न रहेगा। अब ये बैक पैटर्न है तो बैक पैटर्न में हम नेक बनाएंगे, तो यहां पर ऊपर से 7 इंच पर मार्क किया और फिर यहां से मैंने आधा इंच नीचे मार्क किया है, ये बिल्कुल आधा इंच है ये देखिएगा। अब देखो नीचे से 2 इंच पर मार्क किया और इस और मैं 1.5 इंच रखूंगी और यहां से इस तरह से हम ड्रॉप नेक बनाएंगे। आप चाहो तो ये डीप भी रख सकते हो या इससे छोटा भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। या फिर अगर आप पूरी तरह से पीछे की ओर बंद रखना चाहते हो तो बैक में आप जिप लगा दीजिएगा। तो इस तरह से ये मैंने कट कर दिया। अब इस लाइनिंग के पैटर्न को हम नेट के कपड़े के ऊपर रखेंगे, तो ये नेट कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर ये लाइनिंग का पैटर्न हमने रख दिया। तो सबसे पहले हमें नेक की ओर सिलाई लगानी है, तो इसलिए ये कुछ पिंस है जो मैं नेक की साइड में लगा दूंगी, 3 से 4 पिन लगा कर लीजिएगा। इसके बाद ये सेट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर नेक की गोलाई में सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद हम आर्म होल बे में सिलाई लगाएंगे। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो तो आर्म होल की ओर सिलाई लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले हम इस नेक की गोलाई में सिलाई लगाएंगे, बस थोड़ा सा ही सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने ये गोलाई में सिलाई लगाई है। अब यहां पर हमारी ये कंप्लीट हो चुकी। अब यहां पर देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर की ओर आपका इतना रहना चाहिए, 1/4 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। नेक की ओर सिलाई लगा दी, अब हम आर्म होल की ओर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो तो आर्म होल की ओर सिलाई लगाने की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर हम स्लीवलेस बना रहे हैं इसलिए हम आर्म होल में सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ आर्म होल में मैंने सिलाई लगा दी। अब देखो सबसे पहले हम नेक का कटिंग करेंगे, मतलब ये जो नेट का कपड़ा है बीच का उसको हम कट करके निकाल देंगे। बिल्कुल जैसा हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उतना ही रखा है, बाकी का सारा बीच का नेट हमने कट कर दिया। उसके बाद यहां पर आर्म होल के बाहर जो नेट का कपड़ा था एक्स्ट्रा का वो भी मैंने कट कर दिया। और यहां पर मैंने कट्स लगाने के लिए छोटी कैंची ली है, उसकी मदद से ये छोटे छोटे कट्स हम दोनों तरफ के आर्म होल में लगाएंगे, उसके बाद नेक में भी लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पलटे, कहीं पर झोल ना आए, इसलिए हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। उसके बाद ये गले का शेप यहां पर निकाल देंगे, मतलब ये एक्स्ट्रा का नेट का कपड़ा कट कर देंगे। अब देखो यहां पर इतनी सिलाई मार्जिन आपको छोड़नी है, मैंने पहले भी बताया था। अब यहां बीच में से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इस नेक को और आर्म होल को पलट देंगे, तो इस तरीके से यहां पर हम पलट देंगे। शोल्डर की ओर हमने सिलाई नहीं लगाई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसको पलटने के बाद इसका नेक का फिनिशिंग पूरी तरह से हो गया है, आर्म होल की तरफ ये पूरी अच्छे तरीके से इसका फिनिशिंग हो गया है। अब हम यहां पर सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहां से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया नेक की ओर, शोल्डर की ओर, फिर बाद में आर्म होल की किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूं। अब साइड से भी सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने से पहले मैंने बीच बीच में पिंस लगाए हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां अस्तर को हम यहां पर डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसलिए सिलाई को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी। जिस तरीके से इस साइड में सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड में भी लगानी है। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाकर ले ली है और यहां पर जो एक्स्ट्रा का नेट का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको मैं सीधी साइड में लूंगी तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। अब यहां गले की ओर आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो या फिर लेस भी लगा सकते हो। अब ये फ्रंट का पैटर्न भी मैंने रखा है नेट के कपड़े के ऊपर,
तो ये जो मार्किंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ कर दी है, और फिर उसके बाद बस मैंने आर्म होल की तरफ पिंस लगाए हैं, क्योंकि बस हमें आर्म होल के और ही सिलाई लगानी है, तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो देखो मैंने आर्म होल की और सिलाई लगा दी है, सिर्फ और सिर्फ आर्म होल की तरफ ही सिलाई लगाई है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते समय सिलाई के ऊपर कट्स ना जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसको हम पलट देंगे। तो अगर आप स्लीव्स जोड़ रहे हो तो आपको इस तरह से आर्म होल की तरफ सिलाई लगाकर पलटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको नेट के कपड़े के ऊपर रखकर चारों ओर सिलाई लगा दो। तो इसको मैंने पलट दिया। पलटने के बाद देखो दोनों, अभी नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खुला है, तो इसको बीच बीच में इस तरह से पिंस लगा कर लीजिएगा ताकि ये हिले नहीं। पिंस लगाने के बाद ये पूरी तरह से सेट हो गया। अब इसको सेंटर में फोल्ड करना है और आगे का जो गला है वो कट करेंगे। तो ये हमने गला कट कर दिया। गले को कट करने के बाद अब देखो यहाँ ऊपर के और शोल्डर की तरफ तो ये खुला ही है, तो जो निशान हमने बनाया था उस निशान के बाहर क्वार्टर इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इस निशान की गोलाई को कट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दो कट्स लगाने हैं, एक इस तरफ और इस तरफ, मतलब ये दो जो कोने होते हैं ना शेप के, तो दोनों कोनों की तरफ हम दो दो कट्स लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो इसलिए हमने कट्स लगाए ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाए और झोल ना आए। तो बस हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रखा और यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूंगी। बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से हमारे यहाँ पर शेयर नेक यानी ट्रांसपेरेंट नेक बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे कट्स लगाना जरूरी है। बस हमने चार कट्स लगाए थे, दो दो इस कोने में और दो दूसरे कोने में, और बस ये हमारा गला यहाँ पर बड़े ही आसानी से तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ हाथों लगे साइड से भी सिलाई लगा देंगे, तो शोल्डर की ओर लगाई, आर्महोल की ओर लगाई और फिर साइड से भी लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा बीच बीच में पिंस लगाकर लीजिएगा ताकि कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं और अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम अस्तर में पहले इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं, तो यहीं पर मैं सिलाई को स्टॉप करूंगी, और जिस तरीके से इस साइड में सिलाई है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लगा कर लेंगे, तो बिल्कुल ये सिलाई हमारी नीचे तक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो देखो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का नेट का कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी और इस साइड में भी, और इस तरीके से हमारा फ्रंट पैटर्न भी यहाँ पर तैयार है। तो सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ, तो देखिए बहुत ही ये सुंदर लग रहा है, तो इसको मैं साइड में रखूंगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है बैक पैटर्न जो कि मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, और उसके ऊपर ये फ्रंट पैटर्न रखेंगे और यहाँ पर बस सिंपली शोल्डर को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जोड़ देंगे। इस साइड में भी हमें वही करना है, यहां से हम शोल्डर को जोड़ देंगे। तो आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो ये शोल्डर हमने यहां पर जोड़ दिया। शोल्डर को जोड़ने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहां से इसको सेंटर में फोल्ड करके लेना है। इसको एकदम बराबर से रखिएगा। बराबर से रखने के बाद आगे की तरफ हमें यहाँ पर नेक की तरफ सेंटर मार्क करना है, और बिल्कुल हमें यहाँ से यहाँ इस नेक को नापना है क्योंकि हमें कॉलर का नाप निकालना है। तो बिल्कुल मैंने एकदम किनारे से पकड़ा है, और गले को खींचिएगा मत, और यहाँ से टेप को अच्छे से पकड़ते हुए हम गले को नापेंगे। तो ये लगभग आपका 7.5 इंच या 7.5 इंच भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये मेरा आ रहा है 7.5 इंच, तो इतनी ही हमारी कॉलर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को मैं खोल कर रखती हूँ, और यहाँ पर हमारी कॉलर लगेगी।
कॉलर के लिए यहाँ पर मैंने ये बुकरम ली है, ये चिपकने वाली बुकरम है और इसे फोल्ड करके मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क किया क्योंकि उतना ही हमारा नाप आया था और यहाँ से मैंने लाइन बना दी। अब कॉलर की चौड़ाई आप 1 इंच या 1.25 इंच रखिएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच रखी है और उसके ऊपर 1 इंच पर मार्क किया। अब ये दोनों लाइन्स हम बना देंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ 2 इंच पर एक पॉइंट दीजिएगा। अब इस पॉइंट से यहाँ तक हमें कर्व बनाना है, तो हाथ से भी आप बना सकते हो या फिर आपके पास इस तरह का फ्रेंच कर्व है तो आप इससे भी बना सकते हो आर्म होल कर्व से, और इस तरह से आप शेप देंगे। अब यहाँ पर देखो 1.25 इंच की कॉलर है तो यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, या फिर 1 इंच की है तो 1 इंच पर कीजिएगा। 1.25 इंच से ज्यादा बिल्कुल भी आपका कॉलर की चौड़ाई ज्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो ये गले में टाइट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से फिर से एक बार हम 7.25 इंच नापेंगे क्योंकि कर्व देने से इसकी लंबाई बढ़ती है, तो ये यहाँ पर 7.25 इंच आ रहा है तो मैं यहीं पर मार्क करूंगी। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री में बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन ऊपर की तरफ बना देंगे। यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से शेप भी दे सकते हो या फिर सीधी लाइन भी रख सकते हो। अब हम इस शेप के अनुसार कॉलर को कट कर देंगे, तो ये हमारी कॉलर यहाँ पर बनकर तैयार है। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाली साइड होती है ये गले को जुड़ेगी, इसको मैं खोल देती हूँ और ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगी। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे, उसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, आप चाहो तो कोई दूसरा कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैंने आयन करके लिया और फिर बिल्कुल जैसे कॉलर का शेप है वैसा कट किया। बस मैंने ऊपर और नीचे और साइड में सिलाई मार्जिन छोड़ा है। अब नीचे की तरफ हम इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके आयन करके लेंगे और फिर इस कॉलर को मैंने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर रख दिया। अब हम यहाँ पर साइड से इसको सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल किनारे से सिलाई चला रहे हैं और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा का लाइनिंग का कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया, तो जितना हमारा वेलवेट का कपड़ा है उतना मैंने रखा है। नीचे की तरफ भी मैंने ये सिलाई मार्जिन रखकर ही लाइनिंग का कपड़ा कट किया है। अब ऊपर की तरफ मैंने ये छोटे छोटे कट्स लगा कर लिए और अब हम इस कॉलर को पलट देंगे इस तरीके से, तो पलटने के बाद ये इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ये सिलाई मार्जिन बिल्कुल लाइनिंग के और छोटा हुआ है। अब इसे हम सेंटर में फोल्ड करेंगे और एक सेंटर में निशान लगाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इस साइड में भी लगाएंगे और अंदर की तरफ भी एक सेंटर का छोटा सा निशान लगा दीजिएगा। अब इसे हम कुर्ती में अटैच करेंगे, तो देखिए ये सेंटर निशान और कुर्ती का भी आगे के गले का सेंटर निशान दोनों मिलाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले पिन को लगा कर लेंगे क्योंकि कॉलर बिल्कुल हमारी सेंटर से लगनी चाहिए और फिर साइड से हम पिंस लगा कर लेंगे। तो इस तरह से गले का कपड़ा और कॉलर का लाइनिंग का कपड़ा दोनों मिलाते हुए हम यहाँ पर पिंस लगाते जा रहे हैं। तो लगाते हुए हम आ गए हैं पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे का पूरा गला हमें यहाँ पर कवर करना है इस तरीके से। आधा हिस्सा तो हमने पिंस को लगा कर ले लिया, अब ये बचा हुआ आधा हिस्सा भी हम पिंस लगा कर लेंगे। तो ना ही गले को खींचना है और ना ही कॉलर को खींचना है, बिल्कुल दोनों को ढीले हाथ से लेते हुए हम पिंस को लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये कॉलर हमारी यहाँ पर बैठ गई है, बस सिलाई लगाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये फैला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सीधी लाइन में रखेंगे और यहां से हम सिलाई को शुरू करेंगे। तो नीचे की तरफ हमारे गले का कपड़ा है और यहां से हमने सिलाई को शुरू किया है। तो कॉलर को मैं एक साइड से लगा रही हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने पिंस को लगा के लिया है। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगा रहे हो तो सेंटर से एक किनारे तक सिलाई को लेके जाइएगा, फिर से सेंटर से दूसरे किनारे तक सिलाई को लेके जाइएगा। तो ये पूरे में मैंने सिलाई लगा दी, देखिए यहां तक हम आ गए हैं दूसरे किनारे तक, यानी पीछे के गले से शुरू किया और पीछे के गले तक आके फिनिश किया।
तो इस तरीके से मैंने सिलाई यहां से लगा दी है पूरे गले में यहां तक। अब हमें क्या करना है, इस कॉलर को बस आगे की तरफ पलटना है और यहां पर सिलाई लगानी है। सिंपल है। तो यहां पर देखिएगा इस तरीके से यहां ऊपर की तरफ बस हमें सिलाई लगानी है। और कभी कई बार ऐसा होता है कि कॉलर आपकी थोड़ी पीछे की तरफ ज्यादा हो रही है, तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ वैसे भी हम होकर आई करते हैं तो वहां पर कॉलर आपकी उतनी ज्यादा शो नहीं होती। तो बस कॉलर कम नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ी क्वार्टर इंच ज्यादा रहेगी तो भी चलेगा पीछे की तरफ। अब हम यहां से सिलाई को शुरू करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले शोल्डर की जो ज्वाइंट होता है वहां पर मैंने छोटा कट दे दिया है ताकि यहां पर झोल ना पड़े, और फिर कॉलर की ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूं, शोल्डर की ओर मैंने कट दे दिया है। और अब हम आगे की तरफ आ गए हैं। ये कॉलर का शेप हमने बिल्कुल गोलाई में दिया है, इसलिए आगे की गले की गोलाई ये बहुत अच्छे से कवर करता है। और आ गए हैं इस शोल्डर की ओर। तो यहां पर भी शोल्डर का जो ज्वाइंट होता है वहां पर एक छोटा सा कट लगा दीजिएगा और फिर कॉलर को जोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से पूरे गले में हमारी कॉलर जुड़ चुकी है। अब हम कॉलर के ऊपर की ओर भी सिलाई लगाएंगे हाथों लगे। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी कॉलर बैठ गई है। अब यहां पर जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है ना, ये वाला, यहां पर भी हमें कट लगाना है ताकि ये शोल्डर अगर इस तरह से बंधा हुआ रहेगा तो झोल पड़ेगा, तो इसको हम खुला कर देंगे। इस और भी हमें यहां पर कट लगाना है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूं ताकि आपके काम में फिनिशिंग आए और परफेक्ट दिखे। तो इस तरीके से ये कॉलर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर गोलाई में बैठ गई है। अब यहां पर हम फिटिंग का मार्क किया है मैंने, तो यहां हिप लाइन तक फिटिंग कर देंगे इस साइड में भी, बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह। तो मैंने फिटिंग कर दी है। फिटिंग करने के बाद मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके लिया है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहां पर देखो लाइनिंग को डबल फोल्ड करके लिया है। और अब उसके बाद हम यहां पर स्लिट जो है बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह इस तरह से सिल देंगे। यहां पर दोनों तरफ के स्लिट जोड़ेंगे और इसी तरीके से दूसरे साइड के भी स्लिट जोड़ेंगे, और उसके बाद नेट के कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये रहा हमारा तैयार पैटर्न, बहुत ही सुंदर लग रहा है, कॉलर भी बहुत अच्छे से बैठी है। यहां पर ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से हुक और आई लगा दिए है और नीचे की तरफ डोरी लगाई है। ये हुक और आई आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल की दुकान में मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर कॉलर लग रही है हमारी, बहुत ही सुंदर हुआ है पैटर्न, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।